हिंद दोस्तों, स्वागत है आप हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से हम मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स का एक टॉपिक है कार्ड सिस्टम। वैसे ये 9, 10, 11, 12 के लिए काम का है, पर बाकी बच्चे भी देख सकते हैं, चाहे वो छोटी क्लास में क्यों ना हो, क्योंकि पत्तों के बारे में या फिर कार्ड्स के बारे में उन्होंने सुना होगा तो उन्हें पता होना चाहिए कार्ड्स कितने होते हैं, क्या होता है, ताकि वो आगे तो क्लास में जाएंगे ही। तो अब आ जाते हैं कार्ड सिस्टम। तो कार्ड सिस्टम में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, और डेक, अब आप नेट पर सर्च मारेंगे तो डेक लिखा हुआ है। डेक का मतलब होता है गड्डी, ताश की गड्डी। सुना ही होगा, घर में कोई बोल देता होगा कि जाके ताश की गड्डी ले आओ, जो भी है, नहीं बोला होगा तो कोई बात नहीं। अब देखो कार्ड्स में क्या होता है, पाउंड कार्ड होते हैं, तो 26 कार्ड्स क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, और 26 कार्ड्स क्या होते हैं रेड होते हैं, ठीक है। अब ये 26 कार्ड में से ब्लैक वाले में 13 कार्ड्स किसके होंगे, स्पेड के। अब स्पेड को हम क्या बोलते हैं, हुक्म बोलते हैं हिंदी में, जो कि आपने सुना भी होगा, तो इसकी थोड़ी पत्ते जैसी शेप होती है, ठीक है। तो 13 कार्ड्स ब्लैक में कौन से होंगे, स्पेड के। अब 13 कार्ड्स कौन से होंगे, 13 कार्ड्स हो गए क्लब के। अब क्लब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं, सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, आज सुन लिया। और इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, थोड़ी गलत सी बन गई है, वैसे समझ जाओगे आप, समझदार तो हो ही, ठीक है। अब आ जाते हैं रेड पे, तो ये 13 कितने हो गए, 26 हो गए, मतलब 26 हो गए, 26 कार्ड्स कौन से हो गए ब्लैक। अब आ जाते हैं रेड पे, रेड में 13 कार्ड्स किसके होते हैं, हार्ट के, ठीक है। तो हार्ट बोला है तो हार्ट की शेप भी होगी, इसको हम हिंदी में पान बोलते हैं, हार्ट भी थोड़ा खराब सा बना है, कोई बात नहीं, समझ गए ना। तो ये पान बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद 13 कार्ड्स आ जाते हैं डायमंड के। अब ये वो हीरे वाला डायमंड मान लो इसको, ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, और इसको हम ईट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। अब अभी तक का ये है, ये आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद ये 13 कार्ड्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समझाऊंगा मैं आपको। अब 13 कार्ड समझते हैं। अब 13 कार्ड्स में क्या होता है, 13 कार्ड्स में क्या हो गया, पहला होता है ए, ए मतलब इक्का, ठीक है, इसको हम एस भी बोलते हैं, ठीक है, और इसका मतलब वन होता है वैसे, अगर आप जनरल भाषा में कहें तो। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस 10 को हम बोलते हैं दहला, क्या बोलते हैं दहला। जो थोड़े गांव साइड से होंगे उनको पता होगा दहला पकड़े वो होता है इसमें गेम जो कि हम खेलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फेस कार्ड्स, क्या आ जाते हैं फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं तीन, एक होता है जैकर, उसके बाद आ जाता है किंग राजा वाला, उसके बाद आ जाता है क्वीन, और इस जेकल को हम क्वीन भी बोल देते हैं। वैसे जेकल का मतलब तो तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है तेंदुआ, ठीक है। तो ये वो वाला जेकल नहीं है, ये हमारा गुलाम वाला जेकल है, ठीक है। तो 13 कार्ड्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कार्ड तो हो गए ये, ठीक है, उन 13 में से 10 ये हो गए, और बाकी 3 कौन से हो गए ये, ठीक है। और इन्हीं सब का डिस्ट्रीब्यूशन उन सारे 13 में ये सारे कार्ड्स हरेक के होंगे। तो अगर मैं टोटल फेस कार्ड्स बोलूं, टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे 52 में से, तो फेस कार्ड्स टोटल कितने हो गए, 3 हो गए किसके, स्पेड्स के, 3 स्पेड के हो गए, ठीक है, 3 किसके हो गए डायमंड के हो गए, और 3 किसके हो गए हार्ट के हो गए, और 3 किसके हो गए क्लब के हो गए। तो टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए, 12 फेस कार्ड्स होते हैं किसमें, हमारे 52 पत्तों की एक गड्डी में। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है, आप समझ गए होंगे, बाकी नहीं समझे हो तो कमेंट में कर देना और बता देना क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज्यादा करके। तो जब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा, सावधान रहें, सतर्क रहें और घर पर रहें।